गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे का शीट दे दीजिए आप हमें। गुड इवनिंग आप सभी प्यारे बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ ली है आप लोग, अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है। मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाऊंगा। 19 तारीख को कोचिंग ऑफलाइन की ओपन कर रहा हूं, फिर देखूंगा उस दिन क्या माहौल है और फिर नया बैच कब से देना है वो भी सारी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद एक दो दिन तो दशहरा ही रहेगा, तो एक दो दिन फिर बंद करना पड़ेगा 19 को खोलकर। तो माहौल देख लूं 19 खोलकर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे सीट पे बच्चे एडजस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख लूं। काफ़ी सारा वर्कलोड बढ़ गया है इस समय। आइए चलिए देखिएगा, मैंने करवा दिया था आपको क्वेश्चन, कहाँ तक करवाया था कोई बताएगा हमें? 53 तक हो गया है बेटा, 54 में भी आ जाइए, 754। बेसिक मत करिए, कितना लगाएंगे बेसिक से? ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया हुआ है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो बेटा सीधे ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री रख लीजिए। रखने पर आप कॉस 60 कर लेंगे यहां, फिर साइन 60 और साइन 60 प्लस कॉस 60 साइन 60 साइन 60 प्लस कॉस 60 बटा साइन 60 और ये भी साइन 60 है। हम मान क्यों रख पा रहे हैं यहां पर? क्योंकि ये मान रखने से आपकी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसका ऑप्शन आप ऑब्जर्व करिए, सारे के सारे ऑप्शन क्या है, न्यूमेरिकल। तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है। ध्यान से देखिए, कहीं भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है, तो तीनों कोण कुछ भी ले लिया जाए, अगर सम 180 आ रहा है उसका, तो निश्चित रूप से वो मान उठाकर रखेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा सॉल्व करिएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 आ जाएगा आंसर, सही है। हर एक बच्चा सॉल्व कर लेगा, आंसर आ जाएगा। आज आप पर ज्यादा भार डालूंगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा इतना। 754 के बाद आ जाइए, 755 पे साइन ए कॉस ए टैन ए किसमें है बेटा? आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या होता है, टी टू अपॉन टी वन बराबर टी थ्री अपॉन टी टू होता है। तो ये टी वन कहलाएगा, ये टी टू कहलाएगा, ये टी थ्री कहलाएगा, इतना ज्ञान होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। इसका ज्ञान मैं अलग से नहीं दूंगा, ये आपको अलग से ज्ञान होना चाहिए। कॉस ए अपॉन क्या, साइन ए इज इक्वल टू टैन ए अपॉन क्या, कॉस ए। इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, बराबर लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए और बटा कॉस ए। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बटा साइन ए बराबर साइन ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब लिख सकते हैं कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ट्रांसफर कर दीजिए तो कॉस क्यूब ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक। इसी का मान आपसे पूछा गया है, देख लीजिए, यही आपका प्रश्न था, इसी का मान आपसे पूछा गया है। सीधे आप जीपी वाली प्रॉपर्टी लगा लीजिए, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, आप इसी की प्रॉपर्टी लगाइए, आपका आंसर मिलेगा। सहमत क्या, सहमत है? सही है बच्चों, आ गया समझ में? आ जाइए अब इसके बाद है आपका अगला सवाल। बेटा दिया हुआ है यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 3π/2, 3π/2 का मतलब 270, तो क्या मान डाल दिया जाए a b c का? 90 90 90 मान डाल के निपटा दीजिए क्वेश्चन। 756 पे आइए, बेसिक नहीं करिए, ये सब सवाल हो जाते हैं डायरेक्ट मान डालने से, तो मान डाल के ही करिए, मेहनत कम लगेगी। इसका मतलब 270 डिग्री हो गया, तो a बराबर
बी बराबर सी बराबर 90 डिग्री रखने पर। तो बेटा ये हो जाएगा कॉस 180, फिर कॉस 180, फिर बेटा कॉस 180, कितना आएगा? अब बताइए कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी? याद नहीं है तो आप क्या कर लीजिए, कॉस 90 प्लस 90 कर लीजिए, तो निश्चित रूप से ये चला गया माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि माइनस 3 आ गया। अब करिए जीटीओ, जिस ऑप्शन में माइनस 3 आंसर आ रहा होगा वही ऑप्शन आपका सही है। आ जाइए जीटीओ में, जीटीओ ध्यान से देखिए, ऑप्शन उठाइए 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी, बेटा यही सही ही है, सीधा दिखाई दे रहा है 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ रहा है? माइनस 3, यही मैच कर रहा है। बाकी बी को चेक करेंगे गलत है, सी को चेक करेंगे गलत है, डी को चेक करेंगे गलत है, कितना आसानी से आंसर आ गया। तो ऐसा सवाल कभी कोई पेपर में दिखे तो मान रख के निपटा लीजिए, कोई मेहनत नहीं लगने वाली है, हो जाएगा क्वेश्चन, मान रख के ही करिए। आइए, कोई बेसिक बेसिक नहीं लगेगा इसका, आइए मतलब लगता है बताऊंगा नहीं, जो लगा ले अच्छी बात है। आइए देखिए 757, पे आइए, लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, 757 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेटा क्या हो जाएगा देखिएगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री रख दें, आइए बड़े आराम से उत्तर आएगा टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 सही है, टेन स्क्वायर 30। बेटा बोलिए यह आ गया आपका 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, या सीधे लिखिए इतना क्या लिखे, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 कितना आ गया? 1 आ गया, ये आंसर है बेटा, निपट गया ना क्वेश्चन, देख रहे हैं कितना आराम से लगा दिया क्वेश्चन मान रख के इसको। तो ये सब सवाल जो 180 वाली कंडीशन वाले आए तो कोशिश करिए एक बार चेक करिए मान रखने से होगा कि नहीं। अब सुनिए 758 सवाल लाइए सामने, कॉस 165 डिग्री को लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं 165 को, कॉस 180 माइनस 15 लिखा जा सकता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 15 की वैल्यू केवल निकालनी है, आ गया समझ में? तो आपका आंसर डी वाला होगा, क्लियर है, कर पाएंगे क्वेश्चन? कॉस 15 की वैल्यू कल ही मैंने आपको बताया था। अब देखिए डू योर सेल्फ में डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, 759 पे आ जाइए, कॉस 126 डिग्री का मान चाहिए, सुनिए कॉस 126 को लिख सकते हैं 90 प्लस 36 लिखा जा सकता है, कॉस 126 डिग्री को लिख सकते हैं 90 प्लस कितना बताइए 36, तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 36, और साइन 36 की वैल्यू बेटा हम कल आपको बताए थे, कर लेंगे तो डू योर सेल्फ में डाल दीजिए, आंसर कौन सा आएगा? डी वाला आंसर आएगा बेटा, डी वाला आंसर आएगा, हर एक बच्चा देखे। अब आ जाइए 760 में, साइन 22.5 डिग्री कल ही कराए थे, ए वाला आंसर है, ध्यान से देखिए 761 में आ जाइए, कॉस 22.5 डिग्री का मान चाहिए, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कल ही कराए थे, बी वाला आंसर है ना बच्चों? अब देखिए 762 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, टेन 22.5 डिग्री का मान कल ही करा दी है, ये सब तो करवाया जा चुका है, साइन 7.5 डिग्री का मान बेटा चाहिए, साइन 7.5 अगर निकालना है तो आप कॉस 15 का प्रयोग कर लीजिए, कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस 15 का प्रयोग करिए, 763 नंबर का सवाल है, कॉस 15 को लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 7 होल 1 बाई 2 लिखा जा सकता है, कॉस 2a का फॉर्मेट हुआ कि नहीं? हो गया बेटा, तो इसको लिख सकते हैं, हो गया कॉस 15 बराबर, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
60 डिग्री बेटा, इसी का मान निकालना है। कॉस 15 का मान रख दीजिएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान आ जाएगा, तो डू योर सेल्फ पे डाल देता हूं मैं। कॉस 15 का मान मैंने कल आपको बताया था, बस इतना करना है। 7.5 का मान चाहिए तो 15 का मान याद है कॉस 15 का, तो आराम से आप उत्तर दे पाएंगे। ध्यान से देखिए, कॉस 15 बराबर लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 7.5 डिग्री लिखा जा सकता है कि नहीं, तो कॉस 2 थीटा पैटर्न पे आया, चूंकि हमें साइन 7.5 का मान चाहिए तो इसको साइन में ही ब्रेक करिएगा। कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, कर लिया आपने, डू योर सेल्फ में डाल दीजिए, रिजल्ट आ गया। आपको करना है, मुझे नहीं। अब आइए 764 पे आ जाइए। 763 का आंसर ए वाला आएगा, लगा के चेक कर लीजिएगा। 763 का आंसर ए वाला आएगा, लगा के चेक करिएगा। 764 पे आई, साइन 54 डिग्री बराबर मान ही दे रखा है √5 + 1/4, कोई टेंशन नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। साइन देखिएगा, 12 × sin 48 × sin 54, इसका तो मान ही पता है, इसी को सॉल्व करना है। तो बेटा ये 2 sin है, साइन बी पैटर्न पे इसको ले आइए, सॉल्व तभी होगा, पीछे ऐसा बहुत सारा सवाल लगाए हैं। तो 1/2 × sin 48 और sin 12 लिख सकते हैं एक साथ बेटा ऐसे, और साइन 54 हो गया। ये 2 sin है, साइन बी का फॉर्मूला होता है, याद हो गया होगा अभी तक लगाते लगाते, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, याद हो गया होगा आप लोगों को लगाते लगाते। 1/2 कॉस क्या होगा 48 − 12 और माइनस कॉस 48 + 12, बेटा ध्यान दीजिए ब्रैकेट रहेगा ही, और इंटू साइन 54, हर एक बच्चा देखेगा। अब ये हो गया आपका 1/2, ये देखिए कॉस 36 हो गया और माइनस कॉस 60 हो गया और साइन 54 बेटा, कोई टेंशन नहीं, जो साइन 54 का मान होता है वही कॉस 36 का मान होता है, हर एक बच्चा ध्यान दे, क्लियर है, जो साइन 54 का मान होता है वही कॉस 36 का मान होता है। अब आगे आप कर लीजिए, डू योर सेल्फ, यहां से आपको करना है, फास्ट हो गए होंगे आप लोग लगाते लगाते। जो मान साइन 54 का होता है वही मान कॉस 36 का होता है, अलग से कोई मान आपको याद ना करना है ना लाना है कहीं से, यही रखना है। कॉस 36 में भी यही रखा जाएगा, साइन 54 में भी बेटा यही रखा जाएगा, मल्टीप्लाई भी करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगा लिया क्वेश्चन। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री का, आउट ऑफ सिलेबस का मैं लास्ट फॉर्मूला आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं, अब कोई फॉर्मूला डिस्कशन नहीं होगा इसके बाद। और ये जो आज की चीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्योमेट्री में भी इसका प्रयोग होता है और मेंसुरेशन में भी प्रयोग होता है, ये अलग से तो बताने ही पड़ता है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में, समझिए बात को। तो आज की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिभुज उसके कोण और उनकी भुजाओं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन को शो कराए गए आज हम। ध्यान से देखिए, आ जाइए साइन रूल, साइन रूल देखिए बेटा, जैसे ये कोई आपका ट्रायंगल है, यहां एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा को बोलते हैं स्मॉल ए, कोण बी के सामने वाली भुजा को बोल दिया जाता है स्मॉल बी, और कोण सी के सामने वाली भुजा को बोल दिया जाता है स्मॉल सी, हर एक बच्चा देखेगा। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, मतलब भुजा की माप बटा में उसके सामने के कोण का साइन, भुजा की माप बटा में उसके सामने के कोण का साइन, भुजा की माप बटा में उसके सामने के कोण का साइन, क्लियर है। इसको उल्टा भी करके लिखा जा सकता है, ऐसे भी होता है, और साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, उल्टा करके भी लिखा जाता है बेटा, यही साइन रूल है आपका। अभी इसका आप यूज भी देखेंगे, अभी दिमाग में बैठाइए ये साइन रूल है। अब इसके बाद बेटा कॉस रूल पे आइए, को साइन रूल कहते हैं या कॉस रूल उसको कहते हैं, को साइन रूल या कॉस रूल, ठीक। कॉस रूल में सीधे कॉस ए का मान हम निकालेंगे, अगर भुजाएं दी गई हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर। सुनिएगा, जब आप कोण ए लेंगे तो ए के सामने वाली भुजा जो स्मॉल ए होगी वो माइनस में जाएगी। तीन ही भुजा है, कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। अगर कॉस ए की बात करेंगे तो इसकी भुजा सामने वाली ए है तो वो फॉर्मूले के लास्ट में जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बेटा टू बी सी। जो प्लस वाले रहते हैं उसी को नीचे लेते हैं, ठीक है, केवल ए वाला इधर माइनस में हो जाएगा जो कोण ए के सामने की भुजा है। ये एक हो गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आइए, कॉस बी का फॉर्मूला है बेटा, बी लिया है आपने तो बी वाला सामने की भुजा स्मॉल बी होगी वो घटेगी, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में टू सी ए हो जाएगा। आया समझ में? फिर एक और है, वो है कॉस सी। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी लास्ट में घटेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या है, टू ए बी है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये कॉस सी वाला पैटर्न हो गया। सभी लोग ध्यान दीजिएगा जिम्मेदारी से, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये आपका फिगर सामने है, सभी लोग देखें, हो गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये फॉर्मूला है आखिरी फॉर्मूला, अब नहीं फॉर्मूला नोट कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, इतने से आपका काम चल जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा, खैर ये तो हमेशा से, जब से आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा था इस पे तो ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन आए इस नियम पे, तो जानना ही जानना है। आइए अब इसको अप्लाई करते हैं, हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है हमारा, बहुत छोटा सा सवाल है, 765, ध्यान से देखिएगा। हर एक बच्चा देखेगा, 765 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए बराबर दो, बी बराबर तीन और साइन ए बराबर दो बटा तीन दिया हुआ है तो कोण बी का मान, तो बेटा सीधे लिखेंगे ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी। इतने ही आंकड़े की जरूरत है हमें, तो सी बाई साइन सी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए का मान है दो और साइन ए का मान है दो बटा तीन, बी का मान है तीन और साइन बी निकालना है यहां से, तो यहीं से कोण निकल के आएगा। देखिएगा बेटा ये हो गया कितना आपका, दो से दो कट गया और तीन से तीन कट जाएगा, तो साइन बी बराबर कितना आएगा, एक आ गया, एक का मतलब साइन कितना 90, देन बी इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री, ये आपका आंसर है। आ गया, देखा आपने साइन रूल के प्रयोग से आपने दूसरा वाला कोण जो मिसिंग था वो निकाल लिया, दूसरा कोण जो मिसिंग था वो निकाल लिया। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, सही है। आइए अब है आपका 766 नंबर का सवाल, 766, 766 कटा नहीं है तो मैं नोट करा दे रहा हूं, कोई बात नहीं। यदि क्या 766, अच्छा बेटा 766 मिसिंग हो गया है, 767 ही है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण 1, 2, 3 के अनुपात में हो तो उनकी भुजाएं किस अनुपात में होंगी, तो देखिएगा कोण की बात की जाए तो 1, 2, 3 के अनुपात में है कोण, बेटा ध्यान दीजिएगा, मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्लियर है, कोण ए कोण बी कोण सी 1, 2, 3 के अनुपात में। हर एक बच्चा देखेगा, अब ये नहीं पता कौन ए कौन बी कौन सी, बस क्रम से ले लीजिए, ये ए बी सी हो गया 1, 2, 3 के अनुपात में हो गया। तो देखिए कोणों की माप निकालना चाहे तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों त्रिभुज के कोण है तो तीनों का योग 180 के बराबर होगा, 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 बराबर बेटा 180 डिग्री के, तो 1 बराबर 30 डिग्री के, तो ये 1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, 2 की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और 3 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। ये कोण की एग्जैक्ट वैल्यू आपने निकाल लिया, इतना तो सब बच्चे कर सकते हैं। अब पूछा गया है कि इनकी भुजाओं का अनुपात बताना है, तो आप जानते हैं ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर क्या होता है, सी बाई साइन सी। बेटा ए बी सी का अगर यहां से रेशियो निकालेंगे तो आएगा साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात
साइन सी आएगा कि नहीं? अगर इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे तो a बराबर k साइन a, b बराबर k साइन b, c बराबर k साइन c आएगा। रेशियो में रखेंगे तो k सबका कैंसिल हो जाएगा, तो भुजाओं का अनुपात साइन a साइन b साइन c के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। वैल्यू रख लीजिए सीधे सीधे, साइन 30, साइन 60 और साइन 90। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो बेटा आएगा 1√3/2, यह अनुपात आ जाएगा। भुजाओं का अनुपात 1:√3:2 आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से, लग जाएगा कि नहीं बताइए, है कोई डाउट? क्लियर है बेटा? अब आ जाइए, आपका 768 नंबर का क्वेश्चन है, 768 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 768 पे एक त्रिभुज है, नाम है इसका बेटा एबीसी। एबीसी बोल रखा है इसके कोण समांतर श्रेणी में है। अगर ये कोण बेटा ए माइनस डी है तो ये कोण ए माइनस डी, मतलब इसको मानिए एक्स माइनस डी है तो ये कोण एक्स होगा, तो ये कोण एक्स प्लस डी होगा, सही है? ए माइनस डी, ए ए प्लस डी वैसे लिया जाता है, समांतर श्रेणी में तीन पद लेने होते हैं, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ये सिखाया जाता है आपको। तो समांतर श्रेणी यहां नहीं सिखाऊंगा, यहां इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन केवल मैं यहां बताऊंगा आपको। तो ध्यान से देखिए, पहला कोण अगर x माइनस डी डिग्री है, दूसरा x डिग्री होगा, तीसरा क्या होगा? x प्लस डी डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब इसके बाद बेटा इन सबका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा बताइएगा? वो हो जाएगा 180 के बराबर। x माइनस डी प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस डी बराबर किसके? 180। डी से सब डी कैंसिल, x बराबर कितना आ रहा है? 60 डिग्री। बीच वाला कोण जो साइन बी आया वो कितना आ गया? 60 डिग्री। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला कोण हमेशा और हमेशा क्या होता है? 60 डिग्री होता है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए, यहां पर ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी हो जाएगी। अब देखिए, बी सी का फिगर रेशियो दिया हुआ है, एंगल ए का मान पूछा है, तो क्या रखेंगे? बी बाई साइन बी बराबर, ध्यान से देखिए, सी बाई साइन सी। सुनिए बच्चों ध्यान से, तो बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है? √3:√2। तो साइन बी साइन 60 कर देंगे और यहां √2 रखेंगे। डायरेक्ट रेशियो ही पैटर्न पे रखिए, यहां √3 और यहां √2। √3 के √2 को के होगा तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहां √3:√2 रख सकते हैं साइन सी। बेटा देखिए, हल करेंगे √3/√3/2 इज इक्वल टू √2 और बाई साइन सी। क्या रहा है? साइन सी इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, मतलब साइन 45। तो बेटा सी बराबर कितना? 45 डिग्री। आपसे एंगल ए पूछा है, क्या पूछा है? एंगल ए कैसे निकलेगा? एंगल ए चाहिए तो आप 180 में से दोनों कोणों को माइनस कर दीजिए, आप 60 और 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 75 डिग्री। भाई जब बी और सी पता चल गया, बी और सी पता चल गया, चूंकि बी और सी का ही रेशियो दिया था तो कोण सी ही निकाल पाएंगे इस साइन रूल से, साइन रूल से केवल सी निकल पाएगा। ये निकाल लिया पहले, अब ए निकालना है तो अब इसके लिए साइन रूल मत लगाइए, सीधे आप ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का प्रयोग करिए। तीनों कोणों का योग 180, तो दो कोण 60 और 45 हो चुके हैं, तीसरा कोण ए है, ए ही बच रहा है, तो ए कितना आएगा? 75 डिग्री आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है सबको समझ में? बड़े आराम से लगा रहे होंगे क्वेश्चन आप लोग। आ जाइए 769 पे, आ जाइए 769। क्वेश्चन है आपका,
त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी, तो बताइए वह त्रिभुज इनमें से कौन सा त्रिभुज होगा। सुनिएगा सीधे बेटा, आप जानते हैं ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी होता है, इसको किसके बराबर मान लेंगे, के माना। तो बेटा ए बराबर या हाँ ए बराबर क्या आएगा, के साइन ए, और बी बराबर क्या आएगा, के साइन बी आएगा। यही दोनों मान उठा के यहां रख दीजिए, ए का मान क्या है के साइन, ए का मान है के साइन, बेटा ये ए है, सॉरी ए है, के साइन ए और इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका के साइन बी इंटू कॉस बी। अब सुनिए के से के कट गया, अगर यहां हम दो से गुणा कर दें और यहां भी हम दो से गुणा कर दें अपने मन से, तो टू साइन ए कॉस ए, टू साइन बी कॉस बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन टू ए का, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन टू बी का। हर एक बच्चा देखेगा, तो बेटा यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि टू ए बराबर क्या आया, टू बी, दो से दो कट गया तो ए बराबर बी, त्रिभुज क्या हुआ, समद्विबाहु। दो कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने की इसकी दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, तो समद्विबाहु होगा। उसके बाद अभी और रुकिए, साइन टू ए बराबर इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस टू बी लिख सकते हैं, अगर हम इसको साइन 180 माइनस टू बी लिख दें तो अभी भी तो ये साइन टू बी ही रहेगा। हर तरीके से परखना होता है कि समद्विबाहु एक ऑप्शन में है, टिक करके आगे नहीं बढ़ जाना है, और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो जितना तरीके से इसको परख सकते हैं वैसे परखेंगे, रुकना नहीं चाहिए। अब देखिए आइसोसेलिस तक केवल नहीं रुक जाएंगे, अभी आगे फिर चेक करेंगे, साइन टू ए इक्वल टू साइन 180 माइनस टू बी लिख देंगे, लिख सकते हैं इसको, इसको इतना लिखा जा सकता है। तो साइन देखिएगा, तो टू ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 180 माइनस टू बी, तो बोलिएगा ए प्लस बी बराबर क्या, 90 डिग्री आ गया, तो पक्का सी बराबर यहां से क्या होगा, जब दो कोणों का योग 90 है तो सी बराबर भी क्या होगा, 90 होगा, तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण समद्विबाहु होगा, मतलब होगा आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन। बताइए भाई ट्रायंगल का प्रकार बताना है, तो हुआ ना ज्योमेट्री का क्वेश्चन, कर रहे हैं प्रयोग आप यहां साइन रूल का, कर रहे हैं यहां प्रयोग ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान दीजिएगा। तो ये त्रिभुज तो समकोण समद्विबाहु होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए केवल हमको आइसोसेलिस ही टिक करना पड़ेगा, केवल हमें क्या टिक करना पड़ेगा, आइसोसेलिस ही टिक करना पड़ेगा, समझिएगा इस बात को। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रहा है समझ में, जरा बच्चों के कमेंट हमें दे दीजिए, ये मोबाइल यहां रखा हुआ है, देखें बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई ज्यादा कमेंट आ नहीं, बच्चे आज है ही नहीं ना, क्यों आज ऐसा है, अच्छा आज मुंबई का मैच है इसलिए, हाँ सब मैच देख रहे हैं, राम कुशवाहा भी बोल रहे हैं, ठीक है चलिए आ जाइए। अब इसके बाद बेटा बड़ी बेइज्जती होती है कि हजारों की भीड़ पढ़ाने वाला टीचर YouTube पे आ रहा है तो इतने कम लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, शर्मिंदगी होती है, इतने कम लोगों को देखकर मन कर रहा है क्लास ही छोड़ दूं क्या, ये गलत बात है। चलिए करा दूं एक आध सवाल और, 770 ट्रायंगल एबीसी में क्या है बेटा, साइन ए बटा साइन सी बराबर साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन बी माइनस सी, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं आपसे पूछा गया, बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस श्रेणी में होंगे, एपी में जीपी में एचपी में, नन ऑफ दीज। तो सुनिए ध्यान से, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 180 डिग्री होगा। तो बेटा अगर यहां से हम साइन ए को लिखना चाहें तो साइन ए को लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी, लिखा जा सकता है, और साइन सी को लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी बराबर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी, सही है। क्रॉस मल्टीप अभी रुक जाइए,
इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, तो साइन बी प्लस सी हो जाएगा और बटा में साइन ए प्लस बी हो जाएगा और ये बराबर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सही है कि नहीं? होगा बेटा, ये फॉर्मूला हो गया किसका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, ये सीधे फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू, ये फिर से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बेटा सुनिएगा, जरा मार्कर दूसरा दीजिए, वो दीजिए, नहीं उधर रखा हुआ है, इंक डालिए इसमें आप। सुनिए क्या हो जाएगा, देखिए आप अगर साइन रूल का प्रयोग करें, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, तो अगर इसको मैं मान लूं किसके बराबर, के तो बेटा बताइएगा साइन ए बराबर क्या आएगा, साइन ए बराबर क्या आएगा बेटा, ए बाई के, एक मिनट, ए बाई के सही है। साइन बी बराबर, साइन बी बराबर बोलिएगा बी बाई के, और साइन सी बराबर सी बाई के। क्लियर है सारे बच्चों को? यही मान बेटा उठा के यहां रख देंगे तो के तो सबका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, के यहां भी, के यहां भी, के यहां भी, के यहां भी आएगा, तो के क्या हो जाएगा, गायब। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, सही है कि नहीं, के स्क्वायर सब क्या हो जाएगा दोनों पक्षों का कैंसिल, तो बेटा ट्रांसफर होगा तो आएगा टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है ये, सीधे बी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू आ गया कि नहीं। अतः ए स्क्वायर सॉरी अतः ए स्क्वायर आ गया, बच्चों बता दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका जो मध्य पद होगा दोनों आपके क्या होगा एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टर्म से क्या होगा सम के बाई टू के इक्वल होगा, समांतर माध्य यही होता है, बीच वाला पद समांतर माध्य होगा और सीधे सीधे बाकी दो जो पद बच रहे हैं उनको जोड़ के दो से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो अतः अतः ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इतने पे भी बोल सकते थे, इतने पे भी बोल सकते थे, इतने पे भी रख लेते हैं ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, टी टू माइनस टी वन बराबर हाँ छोड़िए, ठीक है बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू। ठीक, इससे भी तो जानते ही आपके समांतर श्रेणी के ही सिस्टम में आता है समांतर माध वाला फॉर्मेट, अतः ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होंगे। आज बेटा आप लोग हैं नहीं इसलिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, गायब ही हैं आप लोग, ये बहुत गलत बात है। चलिए आगे के सवाल आप लोग बैठ के लगाइए, ये बात गलत है, ये बात बहुत गलत है, कल कंप्लीट करवा दूंगा, आगे के क्वेश्चन बैठ के लगाइए आप लोग। ठीक है, 771 करवाऊंगा नहीं, सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है, 772 करवाऊंगा नहीं, सीधे फॉर्मूला लगाना है।